हाइड्रा के साथ वेलोसिटी गेमिंग का एक और बार यहाँ पे हमें मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें टीम वेलोसिटी गेमिंग का, तो ये फाइट हमें कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस के ऊपर लास्ट टाइम देखने को मिला था, बट दिस टाइम टीम वेलोसिटी गेमिंग ऑन अ बैक फुट बिकॉज टीम हाइड्रा की तरह से एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। कॉम्बिनेशन हमें नजर आए थे रेंगल के ऊपर, वो फाइनली यहाँ पे शाइन होता हुआ नजर आ रहा है। टीम हाइड्रा यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर चारों डायरेक्शन से जो है पोशन करने वाले हैं, बट अब यहाँ पे फाइट की बात करें अभी भी फाइट कहीं ना कहीं 4v3 के अंदर है। टीम वेलोसिटी गेमिंग के जो प्लेयर्स है वो जरूर यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। दलजीत विल बी द लास्ट रिमेनिंग प्लेयर फ्रॉम हिज टीम, एंड मेरे हिसाब से दलजीत यहाँ पे यू नो थोड़ा सा फ्लैंक करने की कोशिश करने वाला है, बिकॉज यहाँ पे अकेला प्लेयर अगर टीम हाइड्रा के मुंह के ऊपर जाते तो इजीली टीम हाइड्रा जो है वो एलिमिनेट करके जाएंगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैंक करने की कोशिश किया जा रहा है वेलोसिटी गेमिंग के साथ। यहाँ पे टीम हाइड्रा का जो फाइट हमने लास्ट टाइम देखा था तो वहाँ पे हमें नजर आया था कि दलजीत जो थे वो एलिमिनेट हो गए थे, बट अब वेलोसिटी गेमिंग वहाँ पे टीम हाइड्रा को कम्प्लीट एलिमिनेट करके गए थे। बट दिस टाइम हिस्ट्री डजंट रिपीट, हिस्ट्री इज चेंजिंग दिस टाइम, एंड टीम हाइड्रा यहां पे वेलोसिटी गेम के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, बट दलजीत विल बी द लास्ट प्लेयर रिमेनिंग। सो लेट्स जस्ट सी अब ये जो फाइट है किस हिसाब से यहां पे होने वाले हैं।